हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप हमेशा अपने किचन को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, बहुत सारी मेहनत बच जाएगी। तो सबसे पहली बात आती है सब्जियों को छीलने की। सर्दियों के टाइम में तो लगभग सारी इतनी जो सब्जियाँ आती हैं, लगभग या तो पत्ते वाली आती हैं या फिर ये छीलने वाली सब्जियाँ होती हैं, इनका बहुत सारा छीलन निकल जाता है। तो जब भी आपको इन सब्जियों को छीलना हो, आप कोई पराती, प्लेट, थाली या फिर कोई पेपर ही ले लें और इन छिलकों को आप उसी पे छीलें, या फिर आप डायरेक्ट जो बैग होते हैं, जो हम जिसमें कूड़ा वगैरह डालते हैं, वो भी ले सकते हैं और सारे छिलके आप निकाल के इसी के अंदर डालें। बिल्कुल भी उसको आप स्लैब पे ना फैलाएं। इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। जो आप स्लैब वगैरह को किचन को क्लीन करने में लगाने वाले हैं, वो पूरा समय आपको बच जाएगा और उस समय में आप अपना कोई दूसरा काम निपटा सकते हैं। देखिए, इससे बहुत इजीली हमारे सारे छिलके एक जगह पर रह गए और हमारा किचन भी एकदम क्लीन रह गया। आई होप आपको टिप्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। तो देखिए, सर्दियों के टाइम में बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं, मोस्टली पत्ते वाली होती हैं, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, बथुआ हो गया, धनिया हो गया, सरसों, जो भी आप लगा लीजिए, हरी जो सब्जियाँ हैं वो सारी पत्ते वाली आती हैं और इनको धोना या आफत का काम लगता है। सारे पत्ते पत्ते हो जाते हैं सब जगह पे और कितना सारा हमारा पानी भी वेस्ट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये कुछ बैग्स पड़े हैं जिसमें मैं कई बार बाहर से जब सब्जियाँ मंगवाती हूँ, जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह इनमें डल के आता है, तो मैं इनको फेंकती नहीं। मैं सारी अपनी जो हरी सब्जियाँ होती हैं पत्ते वाली, इसके अंदर धो के मैं इसको टांग देती हूँ। इससे कहीं भी किचन में ये ना तो पत्ते पत्ते फैलते हैं और जो ये पानी बचता है ना, ये भी हम पौधों वगैरह में डालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो पानी भी वेस्ट नहीं होगा और साथ के साथ आपका समय बच जाएगा क्लीनिंग का। इनमें से पानी बहुत ही आसानी से निकल जाता है, थोड़ी देर में ही सारा पानी नीचे निकल जाएगा और जो आपकी सब्जी हरी रहती है वो बिल्कुल ही साफ हो जाएगी। ये अभी मैंने कड़ी पत्ते वॉश किए थे, अब मैं और भी कुछ सब्जियां हैं जो वॉश करूंगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कड़ी पत्ते जो हमने धो के सुखाए थे, टांग दिए थे। देखिए, बिल्कुल इनका पूरा पानी निकल गया है, एकदम ही ये साफ भी हो गए हैं और बढ़िया से सूख भी गए हैं। अब आप इसको किसी भी थाली वगैरह में डाल के थोड़ी देर चाहे तो हवा में रख सकते हैं और फिर इनको आप स्टोर कर लें। लंबे टाइम तक अभी आपके सेफ रहने वाले हैं। या तो आप इनको किसी एयरटाइट डब्बे में रख दें या फिर इस तरह से किसी भी डब्बे में रख के ऊपर से ये क्लिंग रैप है इसको लगा दें और जब भी आपको यूज करने हो आप यूज कर सकते हैं। आप इनको फ्रिज में रख दीजिए लंबे टाइम तक, कम से कम आप महीने भर भी रखेंगे ना तो भी ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि पानी हमने इसका पूरा सुखा दिया था। अब हमारी दूसरी सब्जियां जैसे कि मेथी हो गई, बथुआ हो गया, पालक हो गया, इन सब के लिए भी हमें यही करना है। सबसे पहले हमें इनको साफ कर लेना है। ये आगे का डंठल मैं इस तरह से ही हटा देती हूँ पहले ही, क्योंकि ये पूरा डंठल है, इसका कोई यूज नहीं है, इसको हम गाय को खिला देंगे। और जो ये पत्ते बच गए पीछे पीछे के, इनको हम क्लीन कर लेंगे, इसमें कोई भी गंदगी होगी वो निकाल देंगे। और बिल्कुल वैसे ही इस तरह के बैग में डाल के हम इनको भी धो लेंगे। मेरे पास दो गुच्छी थी मेथी की, दोनों को मैंने ऐसे ही किया, आगे का इसका पूरा डंठल हटा दिया है। ये किसी काम का नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन गाय खा लेंगे इनको बड़े चाव से, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। देखिए, सारा जो इसका वेस्ट था वो हमने एक जगह पराती में ही निकाल लिया है, तो कहीं पे भी इसके पत्ते पत्ते नहीं दिख रहे। किचन जो है वो बिल्कुल मैसी नहीं होगा, बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि सारी हमने सब्जी हरी जो है इसके अंदर काट दी है, रख दी है सॉरी, और जो इसका वेस्ट था वो हमने अलग से एक पराती में निकाल लिया है। अब इस तरह से आप दो पानी से इसको धो के टांग दीजिए, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी मेथी आपकी। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दो बार के पानी में ये बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा गंदगी लगे तो आप तीन बार भी कर सकते हैं। ऐसे ये मेरे पास बथुआ है, मैं इसको भी क्लीन करूँगी। तरीका सेम वही, आप पहले सब्जी को अच्छे से अपनी को साफ कर लें, इसमें कोई भी वेस्ट है उसको निकाल दें, उसके बाद इसको इस तरह के बैग में डाल के वॉश कर लें। इससे होगा क्या कि जब हम इन सब्जियों को धोते हैं तो हमारे सिंक में भी या पूरी स्लैब, पूरे किचन में पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, आपका किचन बिल्कुल मैसी नहीं होगा और आसानी से ईजिली आपकी सब्जियाँ धुल भी जाएंगी। और जो पानी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पानी रहता है ना, वो सारा जो नाली में चला जाता है वो भी वेस्ट नहीं होगा। उस पानी को आप पतीले में, क्योंकि हम इनको धो रहे हैं, तो आप उस पानी को पौधों में डाल सकते हैं।
तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।